प्रयागराज कौंधियारा में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आज सत्याग्रह शुरू किया गया। कई शिकायतें पत्र देने के बाद और 68 दिनों से लगातार पिपराहटा में चल रहे सत्याग्रह के बाद 5 तारीख को किसान पंचायत का आयोजन ब्लॉक कौंधियारा के गेट पर किया गया था। उस समय खंड विकास अधिकारी डॉक्टर कंचन ने आश्वासन दिया था कि आवास व शौचालय की सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी और स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालय की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन भी बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने पर भारतीय किसान यूनियन भानु के नेतृत्व में सत्याग्रह शुरू किया गया, जो शौचालय और आवास की सूची सार्वजनिक होने तथा स्वच्छ भारत मिशन के तहत बने शौचालयों की जाँच तथा ब्लॉक को ODF घोषित करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती तब तक सत्याग्रह चलता रहेगा। स्वच्छता यात्रा ब्लॉक के समस्त गांव में गई। कई गांव में विकलांगों को शौचालय नहीं दिया गया। मवैया के भरत लाल का शौचालय नहीं मिला है, जिससे पूरा परिवार खुले में शौच करने के लिए मजबूर है और पूरा गाँव में नौगवा एक गांव में शौचालय धरातल पर नहीं है। सूत्रों का कहना है पूरा गांव खुले में शौच कर रहा है, जिसे अधिकारी ऑडियो घोषित कर दिया कि सुनीता देवी वीडियो को शिकायत की शौचालय न होने के कारण तथा गांव में खाली जगह न होने के कारण सड़कों में शौच करने के लिए मजबूर है। मुखर की मुहर बस्ती शौचालय नहीं है, जिससे लोग खुले में शौच कर रहे हैं। कई पात्रों को जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके पैसे अधिकारियों के द्वारा निकाल लिए गए हैं। अविवाहित को शौचालय अधिकारियों द्वारा दे दिए गए हैं, जबकि पात्रों व्यक्ति खुले में शौच करने के लिए मजबूर हैं। सत्याग्रहियों का कहना है कि ब्लॉक के अधिकारियों से बात नहीं की जाएगी। ये बार बार बात बनाकर जनता के साथ हुए अत्याचार और शोषण तथा सरकारी पैसे के दुरुपयोग पर पर्दा डाल रहे हैं। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए प्रयागराज से अभिषेक मिश्रा की खास।